Assalamu alaikum dear students, I am Abdulwahid with subject chemistry, class 9th. Today's our topic is discovery of nucleus and Rutherford's atomic model. Actually, isi atomic model ke result mein nucleus discover hua tha aur isi ko hum discovery of nucleus bhi kehte hain. After the discussion or the discovery of three fundamental particles, electron, proton and neutron, अब हम पहला एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रदरफोर्ड ने प्रेजेंट किया था इन 1911। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इसको हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉयल यूज़ की गई थी और उस गोल्ड फॉयल की जो थिकनेस थी दैट इज़ अबाउट 0.0004 सेंटीमीटर थिक। ये बेटा एक MCQ है और इस 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल पे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए गए थे। ये अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर एक्चुअली एमिटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्स लाइक रेडियम और प्लोनियम। ये एक MCQ है कि इसका सोर्स क्या क्या है। एक्चुअल अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर ड्यूली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। Their property is that they can be penetrate into matter to some extent. किसी हद तक ये matter के अंदर penetrate भी करने की capacity रखते हैं। और इस सारे result की जो bombardment थी alpha particles की 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल पे, उस सब को इमेजिन किया गया, उस ऑब्जर्व किया गया, उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो एक फोटोग्राफिक फिल्म के कोटेड की गई थी जिंक सल्फाइड पे और उसके ऊपर ये ऑब्जर्व किया गया था। इस सारे मॉडल के रिजल्ट में ये चीज़ भी एक वेरीफाइड हुई थी कि जो प्लम पुडिंग थ्योरी जे थॉमसन ने दी थी वो करेक्ट नहीं थी, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा वैलिड नहीं था। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी और एक्सपेरिमेंट क्या था। इन गोल्ड फॉयल के पार्टिकल्स पे जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए गए, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज ड्यूली पॉजिटिव था और इस चीज़ से भी हम फेमिलियर हैं कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल पे बम्बार्ड करवाए गए तो हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे थे किसी भी तरफ बेंड हुए बगैर। कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो लार्ज एंगल पे बेंड हो रहे थे और बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल रीबाउंस हो रहे थे, वापस आ रहे थे। ये बेटा इसकी ऑब्जर्वेशन थी और ऑब्जर्वेशन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती है। ऑब्जर्वेशन में बेटा दो पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं। नंबर वन, ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, किसी तरफ मुड़े बगैर वो सीधे जा रहे थे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी, आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल। कुछ पार्टिकल जो थे वो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स बाउंस बैक, और बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो वापस आ गए। ये एक्चुअली मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इनसाइड एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि जे थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज स्कैटर्ड होता है। तो ये उसकी प्लम पुडिंग थ्योरी की रिजेक्शन थी। ये भी बेटा एक MCQ पूछ लिया जाता है कि हु रिजेक्टेड दी प्लम पुडिंग थ्योरी, तो प्लम पुडिंग थ्योरी को रिजेक्ट करने वाला रदरफोर्ड था और रदरफोर्ड को हम फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंसेस भी कहते हैं। ये भी इसके इंट्रोडक्शन से एक MCQ है। देन अब हम मूव करते हैं रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे जो डिफरेंट रिजल्ट्स थे उन रिजल्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रिजल्ट था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। इट मीन्स दैट मैक्सिमम एयर वॉल्यूम ऑफ द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि ना वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव था, अल्फा पॉजिटिव होता तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता, नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट हो जाता, बट उस पर कोई असर नहीं हुआ। इट मीन्स दैट कि मैक्सिमम उसका सेक्शन जो है वो एम्प्टी है। सेकेंड रिजल्ट था, डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट देर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड न्यूक्लियस, और इसी वजह से हम इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि सेंटर से कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, डिफ्लेक्शन शो कर रही थी कि सेम चार्ज है। जो बम्बार्ड करवाया पार्टिकल उसका हमें पता था कि पॉजिटिव चार्ज है, जब नेक्स्ट से वो डिफ्लेक्ट हुआ इट मीन्स कि आगे वाली चीज पे भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। नंबर थ्री,
The complete rebounce of a few particles shows that nucleus is dense. ये चीज़ इंडिकेट कर रही थी कि अल्फा पार्टिकल जिस चीज़ पे जाके बम्बार्ड हो रहा है उसका वेट अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा है, वो उससे ज़्यादा डेंस है. मीन्स दैट न्यूक्लियस का साइज तो स्मॉलर था बट वो एक डेंस पार्टिकल था. फोर्थ वन रिजल्ट इज दैट सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड इट शोज साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. क्योंकि 20,000 में से फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, मतलब कि एज कंपेयर टू दी एटम जो न्यूक्लियस का साइज था वो बहुत छोटा था. नेक्स्ट नंबर 5 इज दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. यहाँ से प्लम पुडिंग थ्योरी टोटली रिजेक्ट होगी. उसने कहा था कि पॉजिटिव के इनसाइड नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक होते हैं, बट रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग पॉजिटिव के राउंड जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं. नंबर 6 इज दैट एटम एज ए होल इज अ न्यूट्रल पार्टिकल. इट मीन्स दैट टोटल नेट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नेट नेगेटिव चार्ज. मीन्स दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रल एटम. एंड लास्ट वन इज दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइज विद इन द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियॉन. अच्छा बेटा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं यूज की गई कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये कहा गया एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. क्योंकि उस टाइम पे 1911 में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर था, न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं था. न्यूट्रॉन की जस्ट प्रिडिक्शन दी गई थी कैसा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा. सो उस वजह से यही आप सेंटेंस यूज करेंगे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइज विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन. ठीक है, दैट्स अबाउट टुडेज लेक्चर.